चलिए, तो ये है आपका राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी का, जो भारत का संविधान पुस्तक है आपकी, उसका पहला चैप्टर ये। ठीक है, इसमें हम लोग, आप जानते होंगे कि पहली बुक से कक्षा 11वीं की, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस के लिए, उसे देख चुके थे, जिसका नाम था राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान क्यों और कैसे। और बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है ये बुक्स, इसलिए ज्यादा परेशान मत होना है आपको, बस आपको बड़े धैर्य के साथ सुनना है। ठीक है, आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी प्रॉब्लम इतनी है कि टेलीग्राम पीडीएफ कौन सी, मतलब बुक्स पढ़नी है कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड करते रहिए। यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। आगे के अध्याय में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के सरकार की विभिन्न संस्थाओं, उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। लेकिन इसके पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, यह समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। इस अध्याय के अध्ययन से आपको निम्न बातों का, यानी कि समाधान होगा, संविधान किसे कहते हैं इसके बारे में भी आपको मालूम चलेगा, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, और भारत का संविधान कैसे बनाया गया, इस सब के बारे में आपको मालूम होगा। अब आप ही बताइए मुझे कि इसमें ऐसा, मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोग कहें कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको जरूरी है ये बुक्स। आप देखिए, आप अगर भारतीय हैं, भारत के संविधान में जानने की आपकी इच्छा है, तब भी मुझे लगता है कि इसे आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, नहीं है? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के बारे में, हमारे संविधान कैसे बना है, क्या कहता है, कैसे अधिकार देता है, ये सब जानना चाहिए मुझे लगता है। हमें संविधान की क्यों आवश्यकता, क्या आवश्यकता है, संविधान क्या है, इसके कार्य क्या है, समाज के लिए इसकी उसकी भूमिका क्या है, हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या संबंध है, इन प्रश्नों के उत्तर उतने ही कठिन नहीं है, उतने कठिन नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। एक बात आपसे ही पूछ रहा हूं मैं कि आपने देखा है कि 1947 में जब हम आजाद हुए, तब कई देशों के द्वारा कहा गया कि हम लोग कई हिस्सों में बट जाएगा हमारा भारत, क्योंकि आप जानते हैं 565 रियासतें थी हमारी, और सभी की इच्छा थी कि अलग अलग हम देश बनाए। लास्ट तक आप देखते हैं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर लास्ट तक अपनी आजादी के लिए लड़ते रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तो आप समझिए, अगर हमारा संविधान ना होता तो क्या सभी लोगों को जोड़ा जा सकता था? बिल्कुल नहीं। हमारे देश में आप देखेंगे विभिन्न समूह धर्म मिल जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, विभिन्न आप देखते हैं जातियां मिल जाएंगी, फिर भी सभी जातियों को, सभी धर्मों को हमारे संविधान में भरोसा है। भली पीएम में भरोसा, प्रधानमंत्री में ना हो, सरकार में भरोसा ना हो, लेकिन कम से कम हमें अपनी न्यायपालिका, अपने संविधान पर भरोसा तो है कि वो मेरे साथ न्याय करेगी। तो समझिए संविधान का कितना महत्वपूर्ण स्थान है आपके लिए। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं, या भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं, मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं, उनमें कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, वे और आधारों पर भी भिन्न हैं, वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक हैं, और सिनेमा से लेकर किताबें तक उनकी पसंद अलग अलग है, उनमें से कुछ धनी तो कुछ गरीब भी हैं, कुछ लोग बूढ़े हैं तो कुछ जवान भी हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे जैसे कि किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या फिर माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या फिर इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाना चाहिए, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी विभिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूप में एक दूसरे पर आश्रित हैं, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए, संविधान। आप समझ रहे हैं पूरी परिभाषा मैंने जो बोला है ना, कि आप देखते हैं विभिन्न धर्म है, विभिन्न जाति है, और कई तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की आप देखिए, लेकिन फिर भी एक हिस्से में जोड़े रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, क्या आप सोचिए, अगर हमारे पास न्यायपालिका नहीं होती, हमारे पास संविधान ना होता, तो क्या हम शांति का अनुभव करते? क्या आप देखते हैं आपके अधिकारों में कोई छेड़छाड़ करने लगता है, आपके अधिकारों का हनन करने लगता है, तब आप किस तरह से अपने आप को महसूस करते हैं?
हाँ, यह तो हमारी कॉलोनी जैसा ही है। क्या आपके गांव, शहर या कॉलोनी में भी ऐसे ही समूह रहते हैं इस तरह के? लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपनी अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किस चीज पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे। क्या ऐसा ना करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा? एक बात आप लोग ने देखा होगा कि आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में। देखते हैं आप लोग, आर्टिकल 12 से लेकर आपको आर्टिकल 35 तक मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। आप समझिए कि अगर आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कोई ना हो, तब आपके मौलिक अधिकारों का कोई मतलब रह जाएगा? कोई भी आता है, कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, सरकार आती है वो भी कर देती है, तब आप अपने आप को कितना सम्मान दे पाएंगे या समझेंगे कि आपको अधिकार मिले हुए? इसलिए आप देखते हैं आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का कोई हनन करता है, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके कोई अधिकारों का हनन करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगी, ठीक है? संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराएं जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। खुद करें, खुद सीखें। पुस्तक के इस भाग में दिए गए विचार का अपनी कक्षा में प्रयोग करें। पूरी कक्षा वाद विवाद करके उन निर्णयों पर पहुंचने का कोशिश करें जो इस सत्र में सभी पर लागू होंगे। ये निर्णय निम्नलिखित के बारे में हो सकते हैं: कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव कैसे हो, कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा की ओर से कौन कौन सा निर्णय ले सकता है, क्या ऐसे भी निर्णय हैं जिन्हें कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा से परामर्श किए बिना नहीं ले सकता है, यदि और लोग उससे सहमत हो तो आप इसमें और बातें, कक्षा के लिए पिकनिक और यात्राओं के लिए पैसे जुटाने की योजना, अपने संसाधनों का साझा प्रयोग आदि भी जोड़ सकते हैं। इसका ध्यान रहे कि इसमें वे बातें भी हो जिन पर पहले मतभेद रहा हो। यदि आवश्यकता पड़े तो इन निर्णयों को कैसे बदला जाए, इन सभी निर्णयों को कागज पर लिख लें और उसे नोटिस बोर्ड पर लगाएं। इन निर्णयों को लेने में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या विभिन्न छात्रों में इस पर मतभेद था? उन मतभेदों को आपने कैसे सुलझाया? क्या इस प्रक्रिया से पूरी कक्षा को कुछ लाभ हुआ है? एक तरह से छोड़िए, आप लोग कक्षा को छोड़िए, आप लोग एक विधायक को चुनते हैं, एक लोकसभा सदस्य को चुनते हैं। किस लिए चुनते हैं? कि वो आपका प्रतिनिधित्व कर सके, आपकी जो समस्याएं हैं उसे संसद में या विधानसभा में उठाए ले, और आप यही सोचकर एक तरह से उसे वोट देते हैं कि वो आपके हक में बात करेगा, आपका भला चाहेगा। और कभी कभी आप देखते हैं इस तरह के विधायक निकल आते हैं जो अपने मतलब के लिए किसी पार्टी में मिल जाते हैं या अपना जमीर बेच देते हैं, जनता का एक तरह से वोट बेच देते हैं, तो यहाँ परेशानी खड़ी हो जाती है। लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि कम से कम वो, चाहे आपका लीडर क्लास में हो या आपकी जिंदगी में, कि वो आपकी भलाई का ही काम करे, ठीक है? जो भी काम करे आपकी भलाई का करे। लेकिन आजकल नेताओं से उम्मीद दूर दूर तक ना करनी चाहिए, मुझे लगता है ना वो करते हैं। अभी कल ही परसों में एक विधायक का इंटरव्यू सुन रहा था, बिहार विधानसभा में चुना गया है वो अभी, पता है उसके पास कार नहीं है, उसके पास वो चार पांच बार विधायक रह चुका है, उसके बाद घर नहीं है, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं आज के विधायक से इस तरह की? मैं भी बड़ा हैरान हुआ हूं। कभी सोचिए आप लोग अपने विधायक के बारे में, आसपास के विधायकों के बारे में। यहाँ एक सरपंच एक पंचवर्षीय बनता है तो वो दो चार गाड़ी खड़ा कर देता है, बड़े बड़े मकान बनवा लेता है, और एक तरफ उसे देखिए कि 3 से 4 5 बार विधायक बनने के बाद भी अपने घर नहीं बना पाया। निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताओं की बात करेंगे हम लोग। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हो और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है? पर हाँ,
सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। आपको का नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोग खा नियम बनाना चाहते हैं, फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुलझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए, अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना चाहिए, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन आखिर। आप समझिए कि अगर संविधान इस तरह से ना लिखा जाता तो हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता। आप सोचिए कि एक बहुत समय पहले संविधान लिख दिया गया, उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे भी दिन आएंगे कि संविधान में आपके मौलिक अधिकारों का हनन करेगा कोई, तब आपके लिए एक संयंत्र होना चाहिए, एक आपके लिए हथियार होना चाहिए रक्षा के लिए। बड़ी आप जो आजादी देख रहे हैं, आपको अधिकार जो मिले हुए हैं, आज जो आप लोग बोलते हैं इतनी आसानी से बोलने के अधिकार नहीं मिले हुए हैं, इसके लिए बहुत लोगों ने अपनी बलिदानी दी है, देश के लिए शहीद हो गए। आप लोग खुद ही देखते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिनकी खेलने की उम्र थी वो भी आपके लिए, देश के लिए एक तरह से शहीद हो गए। वो भी अगर सोचते कि हमें क्या मतलब है, हमारा परिवार सेफ है, तो क्या होता उनके साथ। समझ रहे हैं आप लोग, तो इसका कदर कीजिए। वही कहते हैं ना कि आसानी से मिली हुई कोई भी चीज हो तो उसकी हमें कदर नहीं होती है, तो कदर करना सीख जाइए, फिर चाहे आसानी से मिली हो फिर चाहे मेहनत से मिली हो। संविधान ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है, वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा, और इस प्रश्न का उत्तर सिद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून निर्माण का राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है, लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लगती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या फिर लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो, और कुल कितने प्रतिनिधि हो। एक बात आप लोग और देखिए, आप लोग सरपंच को किस लिए चुनते हैं, विधायक को किस लिए चुनते हैं, लोकसभा सदस्य को किस लिए चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि आपके मुद्दे जो भी, आप समझिए कि सरपंच को सभी आपके गांव की समस्याओं के बारे में मालूम होगा कि गांव में किसकी क्या प्रॉब्लम है, वो क्या करे कि उस समस्या को विधायक तक पहुंचाए, विधायक क्या करे कि आपके लोकसभा सदस्य तक पहुंचाए, इस तरह से एक कड़ी बनाई गई है। लेकिन आप देखते हैं कि सरपंच आपको अपना विकास करने से फुर्सत मिले तब तो वो जनता के लिए देखे, विधायक को अपनी अपना एक तरह से विकास करने का मौका तो मिले तब तो आप एक तरह से वो जनता की सुने, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम देखी जाती है। एक बात और हमेशा याद रखिए कि जिसे आप चुन रहे हैं ऐसा नहीं कि वो ईमानदार हो, वो अपना कर्तव्यों का निर्वहन करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके जीवन में भी, अगर दैनिक जीवनचर्या में भी ऐसा आपको साथी मिला हुआ है, कोई भी दोस्त मिला हुआ है, तो उसकी कदर करना कि आप अगर भरोसा कर रहे हैं तो वो आपके भरोसे को बनाए रख रहा है, क्योंकि ऐसे लोग बड़े मुश्किल से भी मिलते हैं, फिर चाहे वो नेता हो या फिर आपका दोस्त हो या कोई भी हो। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी, और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे कैसे हैं, इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। हमारा संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाएगी। संविधान का दूसरा काम है यह है कि स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। आप समझिए, संसद की बात करते हैं तो इसमें तीन भाग होते हैं आपके, लोकसभा, राज्यसभा, और आप देखते हैं राष्ट्रपति साहब। लोकसभा में आप देखते हैं कि डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं, और राज्यसभा की बात करें तो इसमें आपके जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा यानी कि आपके जो एमएलए होते हैं जिन्हें आप विधायक कहते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं वो। और अगर राष्ट्रपति साहब की बात करूं हम तो इसमें आपके लोकसभा सदस्य भी रहते हैं, राज्यसभा सदस्य भी रहते हैं, और आपके विधानसभा सदस्य भी रहते हैं। बस एक शब्द आपका जोड़ के रखना है हमेशा, सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ना कि कोई मनोनीत, ठीक है। और आप जानते हैं कि कोई नियम, विधेयक
और अधिनियम में भी फर्क होता है। आप देखते हैं कि जब तक ये संविधान के, आप देखेंगे कि लोकसभा में और राज्यसभा में रहेगा तब तक ये विधेयक कहलाएगा, और जैसे ही आपका राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, सहमति मिलेगी, वो क्या बदल जाएगा, अधिनियम में बदल जाएगा। ठीक है। सरकार की शक्ति पर सीमाएं की बात करें हम लोग, तो मान लीजिए कि आपने यह तय किया कर लिया है कि नेडे कौन करेगा, किंतु जब वो सत्ता से ने कानून बनाए बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहनने जा सकते हैं, या फिर आपके कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है, या फिर किसी विशेष समूह यानी कि धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या फिर सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं में से पानी भरने की इजाजत दी जाए। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे, यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। एक तरह से आप समझिए कि जैसे आप चुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो ईमानदार हो, दूर दूर तक भी नहीं। लोकतंत्र की भी बात करता हूँ, राजतंत्र की भी, तो ऐसा नहीं कि आप कहें कि राजतंत्र भी खराब है और लोकतंत्र अच्छा है। कई देशों में आपको देखने को मिलेगा कि राजतंत्र भी अपना काम कर रहा है। एक बात आप समझिए, आप सोचिए, आप राजा हैं और आप अपने परिवार से ज्यादा प्रजा का ख्याल रखते हैं, तब तो मुझे लगता है कि राजतंत्र सही है, समझ रहे हैं आप लोग। और अगर राजा निरंकुश हो जाता है, वो अपना ही परिवार का ख्याल रखता है, जनता को भाड़ में जाने दें, तब एक तरह से ये राजतंत्र, राजा का शासन खराब है। लोकतंत्र में भी आप देखिए, लोकतंत्र तब खराब कहलाएगा, कब खराब कहलाएगा, जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनका ही ख्याल ना रखें। ये आपने लॉकडाउन में काफी देखा भी है, इसीलिए देखते हैं आप लोग कि हमारा सूचकांक, लोकतंत्र सूचकांक नीचे गिरा हुआ है, नीचे से हम लोग टॉप कर रहे हैं। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इन देशों में जाइए आप लोग, इन्हा एक तरह से आप समझिए लोकतंत्र है, जहां वहां खुशहाली तो आपको देखने को मिलेगी, वहां आपको शांति सूचकांक हो, फिर चाहे आपकी मीडिया की स्वतंत्रता हो, खुशहाली सूचकांक हो या लोकतंत्र सूचकांक हो, सभी ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ भी कुछ दिया गया है, यूरोप का संविधान। यूरोपीय संघ के देशों ने एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की है, उनकी कोशिश असफल हुई हो गई है। कार्टूनिस्ट ने संविधान निर्माण कि उनके प्रयासों को मारपीट और झगड़े से भरी कोशिश के रूप में देखा है। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ही ऐसी होती है? अतः संविधान का तीसरा काम क्या है? वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। इसीलिए आप देखते हैं कि आपको अधिकार दिए गए हैं। क्यों अधिकार दिए गए हैं? कि आपको अपना धर्म मानने का अधिकार है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, कोई संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, व्यापार जो भी काम करना चाहते हैं इसकी स्वतंत्रता है। बस एक अपवाद है इसमें कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर के सामने जाकर गाली देने लगें दूसरे को। अगर दूसरे के अधिकारों की बात जहां आएगी, वहां आपके अधिकारों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ठीक है, जब तक कि दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है तब तक आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन न कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। आप देखते हैं आर्टिकल 22 के तहत आपको ये जानने की शक्ति है, एक तरह से अधिकार दिया गया है कि आपको गिरफ्तार किस आधार पर किया जाए। आपको वकील रखने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में यानी कि जहां भी आप आसपास है उसमें उपस्थित कराने का भी आपको अधिकार है एक तरह से। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है और नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता हो गया, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का भी उल्लेख करता है जिसमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया हो उस समय आपके ये अधिकार एक तरह से इनका क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 21
20 और 21 के तहत आपको इसमें इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, इसे नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। वो तो इसका मतलब यह है कि पहले आप एक राक्षस बनाएं और फिर खुद को उसी से बचाने की चिंता करें। मैं तो यही कहूंगा कि फिर इस राक्षस जैसी सरकार को बनाएं, बनाए ही क्यों, जरूरत ही क्यों। और सही बात की जा रही है यहाँ, वैसे आप मानो आजकल के जो जिन्हें नेता आप लोग समझ रहे हैं ना, एक एक तरह से आपके राक्षसी है, क्या है, राक्षस है। शायद कोई नेता सुन रहा हो तो बड़ा बुरा लगे उसे, क्या लगे, बड़ा बुरा लगेगा उसे कि हमें राक्षस बोला जा रहा है, लेकिन ये हकीकत में राक्षस से भी बुरा है, बुरे हैं एक तरह से, क्या है, राक्षस से भी बुरे हैं। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य की बात करें तो अधिकतर पुराने संविधान द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए हैं। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हो, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन वहां सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। आप समझिए कि कई बार आपको अधिकारों का अधिकार दिए गए हैं तो आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करते हैं, तो वहां सरकार भी इंटरफियर कर सकती है, यानी कि आपके बीच में सरकार भी आ सकती है। अब आप समझिए कि आपको धर्म चुनने का अधिकार है या किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, तो आप लालच में या आप दबाव के कारण आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा हो, तो वहां देखते हैं आप लोग की कई सरकारें नियम कानून भी लाती रहती हैं। अभी आपने देखा है उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, इन्होंने एक धर्म परिवर्तन के नाम पर एक तरह से शादी करने वालों पर एक नियम लाए हैं, एक तरह से कानून लाया गया है, तो उसमें अंकुश लगाया गया है कि जो लालच या जबरदस्ती से शादी करता है, मतलब इस तरह की धर्म परिवर्तन के नाम पर या किसी लालच के नाम पर, तो उस पर कानूनी प्रावधान है, सजा भी हो सकती है उस व्यक्ति को। तो ऐसे भी उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाए जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। यदि ये हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। इसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं को पिटा रहा है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वह सभी कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वो गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा वह जीवन जी सके। आप समझिए कि हमारे देश में भी भेदभाव किया जाता था। आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, दलित जो निचली जाति हुआ करती थी उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। फिर आपने देखा है कई एक्ट भी आए हैं जैसे इनका उन्मूलन करने के लिए, एक तरह से एक एक्ट है आपका 1955 में, 1989 का, 1993 का। इससे आप देखते थे कि एमपीपीएससी में क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत अच्छी खासी मात्रा में पूछे जाते थे, यानी कि संख्या में क्या क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब सिलेबस बदल चुका है तो अभी पेपर नहीं हुआ है तो क्या होता है, क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे लेकिन हो सकता है कि उतने क्वेश्चन अब ना पूछे जाए। अभी आपने केरल का मामला देखा होगा कि महिलाओं को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, सबरीमाला मंदिर में, वहां आपने देखा है कि कई याचिकाएं लगी, उसके बाद न्यायालय ने वहां भी अपना एक तरह से निर्णय दिया है। तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए आपका संविधान है, आपकी न्यायपालिका है, और अभी भी काले गोरों का अभी भी भेदभाव देखने को मिलेगा। अमेरिका में अभी हाल ही में आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी, एक व्यक्ति को मार दिया गया था इसी एक तरह से भेदभाव में, ठीक है। और हमारे देश में भी अभी आपको देखने को मिलेगी, कई जगह आप सुनते रहते हैं कि घोड़ी नहीं चढ़ने दी दलित को, समझ रहे। और संविधान इसीलिए बनाया गया था, आप सोचिए आर्टिकल 17 को आप लोग जानते होंगे, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि कहने का मतलब है कि भेदभाव ना किया जाए एक जाति से दूसरी जाति का। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य यानी कि सक्षम करता है कि जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों के वाले भाग में पाए जाते हैं।
यहाँ इस कार्टून को देखिए आप लोग, संविधान निर्माताओं को लोगों के अलग अलग आकांक्षाओं से जूझना पड़ा। यहाँ पर नेहरू को अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं में संतुलन करते दिखाया गया है। क्या आप पहचान सकते हैं कि विभिन्न समूह क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है संतुलन करने का अंतिम परिणाम क्या होगा? एक बात और आपको बताऊं कि आज हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो भी पुराने राजनीतिक हैं, राजनेता हैं, जो भी आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्हें हम गाली देते हैं। कभी महात्मा गांधी को, तो कभी जवाहरलाल नेहरू को, कभी भीमराव अम्बेडकर साहब को, कभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, विवेकानंद, आप समझ रहे हैं, सभी को हम लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कहते हैं नेहरू की गलती थी, उनकी महात्मा गांधी की गलती थी कि पाकिस्तान अलग हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखिए हमारी औकात कुछ नहीं है उनके बारे में कहने की। अगर वो स्थिति में आप होते तो आप वही आप भी निर्णय लेते जो उन्होंने लिया था। आप सोचिए कि आपके परिवार में मारकाट चल रही है, आपका परिवार एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, सुबह शाम आप झगड़े होते रहते हैं, और आप सोचिए इतनी लड़ाई बढ़ जाती है कि उसमें एक परिवार की मौत मौत भी हो जाती है मेंबर की, तो क्या करोगे आप लोग? क्या आप भी तब भी कहेंगे कि एक ही बने रहिए, या आप कहेंगे कि अलग अलग हो जाइए? तो यही किया, आप सोचिए हजारों लोगों की मौत हुई 1947 में जब आजादी की बात चल रही थी, पाकिस्तान अलग होने की, तो क्या करते? तो इसलिए उन्हें दोषी मत ठहराइए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनकी बायोग्राफी आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, और आज के राजनेताओं की तुलना उस समय के राजनेताओं से कभी मत करना। आज के राजनेताओं ने आपको क्या दिया? कोई ऐसा संविधान बना के, ऐसा अनुच्छेद भी बनाया जो आपको सहूलियत देता हो? कभी नहीं। इसलिए आप सबकी, जानते हैं आप लोग की सभी की बायोग्राफी कवर की गई है। मेरा इतना उद्देश्य था कि आप लोग कम से कम फर्क तो समझें आज के राजनेताओं में, उस समय के राजनेताओं में जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। जाइए आप लोग प्लेलिस्ट सूची में, बायोग्राफी के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, वहां आपकी डली हुई सबके बारे में आप लोग पढ़ लिए, और देखिए कभी उनकी बायोग्राफी आप लोग पढ़ते हैं तब। और याद रखिए गाली वही लोग देते हैं जो या तो व्हाट्सएप की दुनिया से या फेसबुक की दुनिया से इतिहास पढ़ते हैं, इन्हें बुक्स से कोई मतलब नहीं रहता है, ये किताबें कभी नहीं पढ़ते हैं, इनका ना तो जमीर होता है ना ये अंतरात्मा होती है, तो ये बोलते रहते हैं, बकते रहते हैं, कुछ इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इनकी बातों में मत आना है। मुझे लगता है कि आप लोग एक पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप लोग बड़े अच्छे जो भी तर्क देते हैं अच्छे दिया करिएगा, बेवकूफों की तरह बिल्कुल मत दिया करिएगा। संविधान का चौथा काम क्या है? वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। संविधान के समर्थ बनाने के वाले प्रावधान की बात करें तो संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम है, नहीं है। वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिसमें वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव को उससे व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी, और यही एक तरह से कर्तव्य भी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करती हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाएं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या है यदि वे लोगों के जीवन को बदल ना सके। आप जानते हैं कि आर्टिकल 3 के माफ करिए भाग 3 के तहत आपको अधिकार दिए गए हैं, इसके विरुद्ध आप अगर इनका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। लेकिन जो भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, इसमें क्या रहता है कि सरकार, राज्य सरकारों या सरकार का कर्तव्य रहता है कि वो आपके लिए ये लागू करे जो भी प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इसमें जो एक तरह से प्रावधान दिए गए हैं उनका हनन करता है या राज्य सरकार नहीं करती है, तो उसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। उसमें कर्तव्य का ही एक तरह से प्रावधान किया गया है कि आप जैसे चुन रहे हैं यही सोचकर सुनते हैं ना कि वो आपके साथ रहेगा, वो आपका भला सोचेगा, ये अलग बात होती है कि वो मतलब ही निकल जाता है या वो सरकार मतलब ही निकल जाती है, वो आपके बारे में नहीं सोचती है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्र की बुनियादी पहचान की। तो आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है।
इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक की पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने के पहले हमारी अनेक प्रकार की पहचान या असमानता होती है, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संविधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम यह है कि शायद यह संभव हो सका कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। एक तरह से आप सोचिए कि आपको अधिकार तो दिए गए हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कोई अधिकार आपका अनुपयोग नहीं कर सकते हैं कि वो देश की एकता अखंडता को एक तरह से नुकसान पहुंचाए। तो आप देखिए कि आप मान लीजिए कि आप किसी जाति के हैं। आजकल क्या देखा जा रहा है कि हम आपसे पूछे कि आपका आप कौन है, तो आप बता देते हैं कि मैं इस जाति का हूं। तो एक तरह से आप सोचिए, आप जाति कट्टरता दिखा रहे हैं। आपके पास हजार पहचान है बताने के लिए, लेकिन ऐसी पहचान चुन रहे हैं आप लोग जिसमें आपकी कट्टरता अलग से झलक रही है। आप ये भी तो कह सकते हैं हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और संविधान में आप लोगों को ये सब देखने को भी मिल जाएगा। राष्ट्रवाद एक तरह से आप सोचिए यही है कि जिसमें जो एक तरह से मेन केंद्र है, यानी कि मुख्य केंद्र है, और चारों तरफ से विभिन्न धर्म जाति समूह जुड़े हुए हैं। यही आपका केंद्र क्या है? संविधान है। केंद्र क्या है? राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है। कल हो सकता है कि ऐसा कोई केंद्र बना दिया जाए कि आम खाना है सभी लोगों को, और पूरे देश में आम खाने की प्रथा चालू हो जाए। जो आम नहीं खाएगा वो राष्ट्रवाद नहीं कहलाएगा, राष्ट्रवादी नहीं कहलाएगा। तो आप क्या करेंगे? तो उस समय राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या बन जाएगा? आम बन जाएगा। तो इसीलिए कहता हूं, कोई भी आधार हो सकता है राष्ट्रवाद का। धर्म हो सकता है, संस्कृति भी हो सकती है, पुराना इतिहास भी हो सकता है आपका, या फिर कोई नया नियम कानून भी हो सकता है, और इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है एक तरह से। ठीक है, सभी चीजों का ध्यान रखा गया है संविधान में। आप लोग जब संविधान पढ़ते हैं तो सब कुछ ध्यान रखा गया है। महिलाओं की स्थिति का ध्यान रखा गया है, दलितों का ध्यान रखा गया है, विभिन्न जातियों का ध्यान रखा गया है, कोई नहीं छूटा हुआ है। आप समझिए उस समय के लोग कितने पढ़े लिखे होंगे, हमारे राजनेता, कि उन्होंने सबके बारे में सोचा है। आज के राजनेताओं को आप देखिए, आपको लड़ाने की बात करते रहते हैं, और उस समय के नेताओं को देखिए आप लोग, तो यही फर्क है, समझ रहे हैं आप लोग। उस समय हम देखते हैं कि सभी को देखिए आप लोग, कितने पढ़े लिखे भी थे। भीमराव अंबेडकर साहब को देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को देखिए, नेहरू साहब को देखिए आप लोग, और आज के आप नेताओं को चुनिए, अनपढ़ हैं, गवार हैं, कोई 8वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, कोई अपनी डिग्री बताता ही नहीं कि वो कितना पढ़ा हुआ है, कोई बताता है तो अपनी गलत जानकारी दे देता है, समझ रहे हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधान को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं देखने दिखाई देंगी, लेकिन उनमें काफी कुछ साझा भी है, यानी कि एक कॉमन भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं, और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी ना किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं, यानी कि लोगों का शासन को इंगित करती हैं एक तरह से। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। ज्यादातर तो राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बने होते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीके से आपस में मिला लेते हैं, जैसे कि जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ है, संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी है। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता है, और विभिन्न राष्ट्रों में देश के केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध इस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा कि जब राम मंदिर की नींव डल रही थी तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे वहां, उत्तर प्रदेश के सीएम भी गए हुए थे। उस समय आपने देखा है कि चर्चाएं उठने लगी थी, ये तो गलत है कि हमारे सर यानी कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था वहां। तो प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा था कि
कि मैं अपने व्यक्तिगत रूप से गया था, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में वहां मैं गया था। मेरी प्राथमिक मतलब व्यक्तिगत जो एक तरह से धर्म मानने की पहचान है, उसके हिसाब से मैं वहां गया हुआ था। क्योंकि इससे क्या रहता है कि एक पक्ष को ये लगने लगता है कि प्रधानमंत्री मतलब दूसरे धर्म का पक्ष ले रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ, तो इस तरह की बात भी की जाती है। कार्टून भुजे, अब ये सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम जल्दी ही संविधान बना लेंगे। मेरे पास कागज है, संविधान मैं लिखूंगा। मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए। मेरे पास इंक, संविधान मुझे लिखना चाहिए। ये 19 कोर्ड सिया बगदाद है, यानी कि विभिन्न समूह में। इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर एक नए संविधान की रचना करने में देश के विभिन्न जातीय समूहों में काफी संघर्ष दिखाई दिया। इन भिन्न भिन्न लोगों की क्या मांगे थी? इसमें दिखाए गए संघर्ष को यूरोपीय संघ और भारत के संबंध में पिछले कार्टून में दिखाए गए संघर्ष से तुलना करें। इसलिए आप देखते हैं कि आपकी लोकसभा सदस्य हो या राज्यसभा सदस्य हो, विभिन्न जाति से आते हैं, विभिन्न समूहों से आते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। किस लिए आते हैं? क्योंकि आप खुद देखेंगे कि किसी की समस्या क्या है। हो सकता है कि आपकी समस्या अलग हो, दूसरे की समस्या अलग हो, तीसरे की समस्या अलग हो, तो कम से कम सबकी समस्या का समाधान तो होना चाहिए। यानी कि संविधान बनाते समय आप देखते हैं विभिन्न लोगों को सम्मिलित किया गया। हम लोगों ने विभिन्न देशों से संविधान की कुछ एक तरह से वहां से उठाया है। कई लोग कह देते हैं कि उधार का संविधान है, उधार का थैला भी कह देते हैं संविधान को। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि हमने वही शामिल किया है जो हमारे लिए अच्छा है, सुधार करके हम लोगों ने किया है। आप समझ रहे हैं? ज्यों का त्यों हम लोगों ने अपने संविधान में लागू नहीं कर दिया गया है। आप देखते होंगे कि आप में कुछ अच्छाइयां हैं, आपका दोस्त है उसमें 1000 बुराई है लेकिन उसमें एक अच्छाई है, तो उसे आप लोग क्या करें, उठा लें, बुराई को छोड़ दें। तो यही हम लोगों ने किया है। और आप देखिए कि जब संविधान बनाया भी जा रहा था तब भी हमने देखा है कि विभिन्न समूहों से लोग आए हुए थे, उसमें अपने अपने जो भी समस्याएं थी उन सबको रखा है और संविधान में उन सबको शामिल भी किया है कि जिनका समाधान आगे जाकर हो सके। ठीक है, संविधान की सत्ता की बात करें तो हमने संविधान द्वारा किए जाने वाली कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। कहां पहुंचे पहुंचे और क्या समझे, नीचे भारतीय और अन्य संविधानों के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। बताएं इनमें प्रत्येक प्रावधान का क्या कार्य है। सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या ना करने की आज्ञा नहीं दे सकती है। सरकार की शक्ति या सीमा है। ठीक है, सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल। और आप देखते हैं कि सातवां मौलिक कर्तव्य माफ करिएगा क्या निकल जाता है, सातवां जो आप जानते हैं कि सात आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए थे जिसमें से आपका संपत्ति का अधिकार 1978 में ये आपका हटा दिया गया था। 1978 में क्या किया था, इसे हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ये कई बार पूछा जा चुका है। अब आर्टिकल 301 के तहत आपका क्या कर दिया गया, इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है। बिल्कुल है, लेकिन आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति भी एक तरह से उसे ही चुनता है जिसके पास बहुमत होता है। अगर बहुमत नहीं है उस समय प्रॉब्लम होती है, वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को चुनता है, उससे बुलाता है फिर दूसरे नंबर की पार्टी को, इस तरह से जब तक की सरकार ना गठन हो। और अगर उससे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति इस तरह इस जो भी प्रक्रिया है उसमें समाधान नहीं निकलता है, तो वो ऐसे व्यक्ति को ही राष्ट्रपति बना सकता है कि जिस उसे लगे कि ये बहुमत साबित कर सके। और याद रखिए कि आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसा नहीं कि लोकसभा राज्यसभा सदस्य होना जरूरी है। अगर आप इन दोनों के सदन के सदस्य नहीं है तब भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई है कि आपके प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर आपको इस समय दोनों सदनों में से एक सदस्य होना, एक का सदन होना, सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा ही आप देखते हैं कि उसमें मुख्यमंत्री में भी ऐसा देखा जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की बात करता हूँ, उद्धव ठाकरे के बारे में आपने सुना होगा, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे लेकिन 6 महीने के बीच उन्हें सदन का सदस्य बनना पड़ा 6 महीने के भीतर। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति, बिल्कुल। संविधान का वह सर्वोच्च कानून जिसका सभी को पालन करना पड़ता है। भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि अधिकतर समाज में एक संविधान होता है, लेकिन संविधान के बारे में हम 3 और प्रश्न कर सकते हैं। संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जैसा कि हमारे देश में, जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं या प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा।
जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हमें उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। और अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिनके ऊपर उल्लेख किया गया है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बातें बात प्रभावी बनाती हैं, कौन सी बात यह सुनिश्चित कराती हैं कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका क्या प्रभाव पड़ा है। संविधान की प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है। बात करते हैं संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है। इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उसके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती, यानी कि लोगों की एक तरह से सहमति नहीं होती है, फिर भी वो संविधान बना देते हैं, आगे जाके वो निष्प्रभावी हो जाता है। अपने पड़ोसी पाकिस्तान को ले सकते हैं, तो यहाँ ये पता नहीं चलता है कि आप देखेंगे कि जनता की चल रही है या नेताओं की चल रही है या सैनिक यानी कि आर्मी प्रमुख की चल रही है। आप समझिए, यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में संविधान है, फिर हिंदू हो मुस्लिम हो किसी भी धर्म जाति का हो उसे अपने अधिकार मिले हुए हैं। पाकिस्तान में यही आप लोग देख सकते हैं। कहते हैं कि आजादी के समय एक बड़ी खासी संख्या हिंदुओं की पाकिस्तान गई हुई थी, आज आप देखेंगे ना के बराबर देखने को मिलेंगे आप लोग। तो क्या कह सकते हैं आप लोग, या तो उन्हें मार दिया गया या धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। कभी इनकी पीड़ा आपको सुनी है तो दिल्ली के आसपास जो बसे हुए हिंदू हैं उनकी पीड़ा आप लोग सुनिए, वो बताते हैं कि किस तरह से उनके साथ भेदभाव किया गया, उनके सामने ही उनके परिवार के लोगों की मौत की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, इतनी भयानक स्थिति देखी हुई है। तब कोई अपना देश छोड़ के आता है यहाँ, इन्हें ही आप लोग शरणार्थी कह देते हैं। कोई खुशी से अपना देश छोड़ के दूसरे देश में नहीं जाता है, ठीक है। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं, और सबसे पहले याद रखिए अमेरिका ने संविधान बनाया था। ये ऐसे संविधान के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया है। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1940 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली है। आप समझिए कि आप तो कहिए कि प्राचीन काल से ही ऐसे कुछ प्रावधान लिए गए जो हमारे संविधान में लागू किए गए हैं, समझ रहे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान की प्रोसेस तो प्राचीन काल से ही हो जाती है। बुद्ध, महावीर, फिर चाहे आपके कौन चाणक्य साहब हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो या अशोक हो, तभी से प्रक्रिया हो जाती है शुरू। लेकिन तब कोई किताब नहीं लिखी गई। आप जानते हैं कि 1940 से 1949 के बीच इस किताब को लिखा गया है एक तरह से, और इसमें वो सभी प्रावधान यानी कि वो सभी अच्छाइयां ली गई हैं जो हमें अच्छी लगी। और ये आप जानते होंगे कि 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान लागू किया गया, लेकिन कुछ प्रावधानों के साथ, लेकिन पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है, ये भी याद रखिए। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी, और संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों को से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली और संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। आप सोचिए, फिर चाहे नेहरू साहब हो, सरदार पटेल साहब हो, फिर चाहे आपके भीमराव अम्बेडकर साहब हो, इन सबको आप देखते हैं कि कितनी एक तरह से जनता इन्हें भगवान समझती थी, और याद रखिए भगवान का काम भी करते थे। आज के नेताओं पर आप भरोसा करते हैं, वो दूसरे दिन गिरगिट की तरह एक तरह से रंग बदल देते हैं। वो सही कहा है किसी ने कि गिरगिट तो वैसे ही अपनी पहचान के लिए बदनाम है, लेकिन असली अगर रंग परिवर्तन देखना है तो इन नेताओं में देखिए, समझ रहे हैं। लेकिन उस समय के नेता भरोसे के लायक भी थे। आप समझिए, एक महात्मा गांधी जो लाठी लेकर चलते थे, आप समझिए 19 चंपारण जब हुआ सत्याग्रह, तो उस चंपारण गए बोलो तो उन्हें इसलिए लोग देखने आए थे कि आखिर ये व्यक्ति दिखता कैसा है जिसने अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जाके अपना आंदोलन शुरू किया और सफल भी हुआ है।
आप देखते हैं कि किस तरह से लोग जुड़ने लगते हैं, फिर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के हो, महात्मा गांधी के एक आह्वान पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये होता है एक तरह से मसीहा। आज देखता हूं मैं कि कोई किसी नेता का बर्थडे होता है तो उसमें क्या लिखते हैं, उनके जो भक्त होते हैं, एक तरह से जनता का मसीहा, जनता के सुख दुख में साथ देने वाला। अभी मतलब खुद सोच के देखिए, इनका जनता से कोई लेना देना रहता है? जब जनता त्राही त्राही हो रही थी, ये ऐसे मतलब लाचार थी लॉकडाउन में, तब ये लोग रामायण देख रहे थे, महाभारत देख रहे थे घर में बैठ के। इन्हें आप लोग कैसे मसीहा कह सकते हैं? और मैं इतना मानता हूं कि अगर भगवान सच में होते हैं तो कभी इन्हें माफ नहीं करेंगे। आप सोचिए, क्या भगवान श्री राम होते तो क्या जनता का ख्याल ना रखते? आप सोचिए कि सीता माता को उन्होंने इसलिए निकाल दिया, घर से छोड़ दिया बाहर जंगल में, क्योंकि जनता उसके पक्ष में नहीं थी। एक व्यक्ति ने आवाज उठाई, लेकिन किसी ने उठाई है, उसका भी उन्होंने ख्याल रखा है। समझ रहे हैं? बहुत एक तरह से नेता वो होते हैं जो अपने जनता के लिए जान भी दे दें अगर जरूरत हो। तो आज के नेताओं से उम्मीद कतई मत करना। कुछ देशों ने अपने संविधान का पूर्ण जन्म संग्रह कराया, जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ है, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था, और लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। एक तरह से मान लीजिए आप लोग कि कोई नियम कानून लाए, आपके गांव को ही ले लीजिए, एक छोटे से गांव को, उसमें 50 मेंबर रहते हैं, और आपसे सहमति ली जाए कि इस कानून को यहाँ लागू किया जा रहा है, कुछ एक कानून है। या फिर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नेता को चुनते हैं और उस नेता पर आपको पूरा भरोसा है, तो वो भी इस निर्णय को ले सकता है। तो हमारे देश में क्या किया गया था कि ऐसे ही नेताओं द्वारा बनाया गया संविधान था, ना कि जन्म संग्रह करवाया गया था। ठीक है, यहाँ आपका नेपाल के संविधान का निर्माण का विवाद रहा है, इसे भी देख लीजिए। आपका पड़ोसी है, आप जानते हैं, ऊपर है आपका नेपाल, और काफी हमारी संस्कृति मिलती भी है हिंदू राष्ट्र। संविधान बनाना कोई आसान या सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। 1948 के बाद से नेपाल में पांच संविधान बनाए जा चुके हैं, 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रही। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था, और उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संविधानिक राजतंत्र का बनाए रहना उपयोगी रहेगा। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया था। एक बात और बताऊं आप लोगों को, कई देश हैं जो भारतीय संविधान की एक तरह से राय पर चलते हैं, हमारे संविधान से सीख लेते हैं। हमारा संविधान आप देखते हैं, 1949 में जो भी प्रावधान शामिल किए गए, उनमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया तब से। समझ रहे हैं आप लोग? फिर चाहे आप पड़ोसी को ले लीजिए, आप लोग श्रीलंका को, इसमें समय समय पर संशोधन होता रहता है। संशोधन ऐसा होता रहता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में मतलब संशोधन किया जाता है, कई प्रावधानों को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया जाता है। चाइना की तो बात अलग ही है। ठीक है, बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे नेपाल में। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार थी। इस सरकार ने राजा को की लगभग सभी शक्तियां छीन ली, और 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बना गया। अंततः नेपाल में 2015 में नए संविधान को लागू एक तरह से बनाया गया, अपनाया गया। ठीक है, 2015 में। आप समझिए कि 1948 यानी कि उसी समय से हमारी आजादी के लगभग अभी तक नेपाल में इस तरह की प्रक्रिया चलती रही, आंदोलन चलते रहे। और हमारी तरफ देखिए, आप लोगों ने देखा 1948 में ही हमने 1947-48 में हमने सब राजाओं को खत्म कर दिया, एक तरह से एक देश बना दिया गया है, एक संविधान बना दिया गया है,
एक तो राष्ट्रीय ध्वज, एक राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान बना दिया गया। समझ रहे हैं आप लोग? सबको एक बना दिया गया है। अब आप सोचिए कि ऐसा होता कि 565 देश होते हमारे भारत में, तो आपको एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता, वीजा लेना पड़ता, एक देश से दूसरे देश व्यापार करना जाना होता, करेंसी बदल जाती, तब आपको कितनी प्रॉब्लम होती। आज आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर से नीचे तक आप लोग चले जाइए, कोई रोक टोक नहीं है आप लोगों को, कहीं भी आ जाने बसने की स्वतंत्रता मिल चुकी है। अब तो आप देखते हैं कि 370 आर्टिकल हटाने से जम्मू कश्मीर में भी आप जा सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं कि उस समय के नेताओं की तुलना मत कीजिए आज के नेताओं से। संविधान के मौलिक प्रावधान की बात करें तो एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहां अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श की स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है, वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। आप ही देखिए, आपके देश में कोई ऐसा समूह है जो संविधान को ना मानता हो? आपको नहीं देखने को मिलेगा ऐसा, क्योंकि आप जाति से प्रजाए दलित हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, गरीब हैं, ऊंच अमीर हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, सभी लोग आप संविधान को मानने की मानते हैं, उसका आदर भी करते हैं। इसमें आपको सभी सहायता भी दी गई है, एक तरह से सबका ध्यान रखा गया है, किसी एक खास समूह का ध्यान नहीं रखा गया है। आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की जाती है, दलित ST ST के लिए, OBC के लिए आरक्षण की बात की जाती है, तब आप देखते हैं अपवाद है एक तरह से। क्या है अपवाद? है अपवाद इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि मान लीजिए कहीं बस में आप जा रहे हैं, उसमें आरक्षित सीटें भी रहती हैं। क्या रहती हैं? आरक्षित सीटें भी रहती हैं, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। क्या वहां भी आपकी अंतरात्मा यही कहेगी कि ये गलत है, ये भेदभाव हमारे साथ? नहीं ना, तो वहां उनका भी ध्यान रखा जाता है, उनकी स्थिति का ध्यान रखा जाता है कि वो किस स्थिति में है। अब किसी विकलांग व्यक्ति को कोई अधिकार दिया जा रहा है या कोई विशेष छूट दी जा रही है, तो वहां आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि, और ना ही इसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि आपके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। उसमें अधिकार का उल्लंघन कहाँ हो रहा है? बस ये है कि उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे कुछ स्पेशल अधिकार यानी कि कुछ शक्ति दी जा रही है। ठीक है, तब आपकी एक तरह से क्या है, आपको आदर भी बना रहता है संविधान के प्रति और भरोसा भी। अब आप सोचिए, आप एक ही धर्म के हैं, आपके धर्म को नीचा दिखाने लग जाए और दूसरे के धर्म को यानी कि दूसरे व्यक्ति को ऊपर उठाने लग जाए, आप किसी जाति से हैं तब भी आपके साथ ये भेदभाव करने को मिले, तब क्या आप संविधान को मानेंगे? कतई नहीं मानेंगे। ठीक है, कभी आप लोग मौलिक अधिकार पढ़िए अपने, उस पर विचार करिए, आपको सब कुछ मालूम चलेगा उसमें। ठीक है, सब कुछ दिया गया है, आप इन इस विचार को प्रयोग में लाएं, स्वयं अपने ऐसे यह प्रश्न पूछें कि समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों को की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे तौर पर हम कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकों को एक ना एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी समान रूपरेखा का समर्थन कर सके? इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इस प्रश्न का हाँ में उत्तर देने की स्थिति में होने चाहिए, आप लोग पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। आपके पास जो संस्थाएं उनकी संतुलित रूपरेखा, संविधान को जनता नहीं पराया एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियों का बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके, और संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि या सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो सके। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संविधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट दिया जाता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई
एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्था उनके उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेगी, और अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। एक तरह से आप मानिए ना, जिस तरह से आप देख रहे हैं विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, या आपका चुनाव आयोग हो, या कोई भी हो, इस तरह के संविधान में जो भी संस्था दिए गए वो इन्हें आप लोग अपने गांव के 5 सदस्यों की तरह ले सकते हैं। तो हो सकता है कि 5 सदस्यों में एक सदस्य ऐसा हो कि जो मतलबी हो, जो एक तरह से भेदभाव करता हो, तो ये 4 सदस्यों के इनमें से किसी की तो अंतरात्मा जागेगी, ये तो अपना कर्तव्य अपना धर्म निभाएंगे और उसे रोकने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आपका देखा जाता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और आप जानते हैं कि चौथा स्तंभ लोकतंत्र का हमारा है मीडिया। ये अलग बात है कि मीडिया आज तक अपने कर्तव्यों से दूर दूर था, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए मीडिया का धर्म होता है कि जहां सरकार गलत काम कर रही है या कोई समूह छूटा हुआ है तो उसे मेन स्ट्रीम में लाना, उसकी समस्याओं को उजागर करना। ये अलग बात है कि हमारी मीडिया एक समूह को रूपरेखा देती रहती है, यानी कि एक की छवि उठाती रहती है। आप देखते हैं कि कोई अगर कपड़े भी बदल रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है, तो उसमें दिखाया जाता है आज जिसने ये किया। एक दिन कहीं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मेन पेज पर, जो मेन पेज होता है न्यूज़पेपर का पहला, उस पर दिया गया कि किसी हीरोइन का कोई एक्टर थी कोई, उसका बता रहा था कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब इस मतलब इसका क्या मतलब है? आज उसके बच्चे ने बोलना शुरू किया है, आज के उसके बच्चे ने हाथ हिलाया, अभी ये मतलब कोई खबर भी है? किसी का बच्चा भूख से मर रहा है, उसे दिखाने के बाद आपके पास टाइम नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग? तो मीडिया बहुत नीचे तक गिर चुकी है, आपका भरोसा मुझे लगता है नहीं रहा इस मीडिया पर। अगर आपको, मैं इसीलिए कहता हूं आप लोगों को हीरो अपना समझना है तो अपने माँ बाप को समझिए, और दूसरा अपने किसानों की इज्जत कीजिए। और असल में तो वो हीरो हैं जो एक तरह से सीमा पर खड़े हुए हैं, जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। इनकी 2 कौड़ी की औकात ना तो कल थी ना ही आज थी। नेता हो फिर चाहे अभिनेता हो, इन्हें आप लोगों ने बनाया है। कल अगर आप सोचिए आपके घर से ही इनकी रोजी रोटी चल रही है, ऐसे तो आप लोग अपने विचार करिए इस पर। कल आप मूवी देखना बंद कर देंगे या नेताओं को चुनना ऐसे नेताओं को कर देंगे तो रोड पर आ जाएंगे। किसी नेता का इंटरव्यू मैं सुन रहा था, तो उसने कहा कि अगर मैं राजनीति ना करता तो क्या करता। हकीकत कहा है उसने, अगर वो राजनीति ना करता तो भीख मांगने लायक भी ना रहता वो। तो ये है नेता की औकात। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें बाध्यकारी मूल्य या नियम और प्रक्रियाओं के साथ साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। ज्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान ना दे सकेगा। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को नवे अध्याय संविधान एक जीवंत दस्तावेज में महसूस करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी है। हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, एक तरह से दोनों बीच की तुलना की गई है, एक तरह से बीच का रास्ता हम लोगों ने अपनाया है। समय समय पर आप देखते हैं संविधान में संशोधन भी होते रहते हैं, और ये भी नहीं है कि पूरी तरह से संविधान को नष्ट कर दिया जाए, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बीच का रास्ता लिया गया है एक तरह से न्यूट्रल होकर, वही आप लोगों को करना है। मैं कुछ भी बोलूं इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको प्रधानमंत्री के 5 कार्य लिखने के लिए आ रहे हैं, मान लीजिए ऐसा हो जाए, तो 5 आपकार वो मत लिख दीजिए जो उनमें बुराई थी एक तरह से। इसमें आप लोग अच्छाई लिखिए, जिसकी सत्ता है उसके पक्ष में थोड़ा झुकाव रखिए। आप लोगों को देखते होंगे आप लोग की कोई आंसर आप लोग लिख रहे हैं, तो उसमें पहले आप लोग एक क्या करते हैं, पक्ष लिखते हैं उसका, फिर उसमें विपक्ष लिखते हैं, और नीचे अपना मूल्यांकन करते हैं, यानी कि एक तरह से आप उसमें क्या करते हैं, नीचे अपनी राय भी देते हैं। तो यही आपको देखना है। ठीक है, आप, मैं मीडिया की बुराई कर रहा हूं, मैं कई नेताओं की बुराई करता रहता हूं, तो इस बुराई आपको अपने अपने तक सीमित रखना है, ना कि आंसर में डाल देना है। ठीक है, और आप सभी हकीकत जानते हैं, फिर भी उस हकीकत को आप लोग अपने आंसर में नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं नंबर पाना है वहां,
आपको सत्य नहीं बोलना है वहां, ठीक है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठा कर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा और जनता का आदर प्राप्त करेगा। इस व्यवस्था को यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बल बूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकेगा। अतः यह पता लगाने के लिए क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या क्या प्रश्न है? क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया है वे विश्वसनीय थे? इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आगे मिलेगा। कहने का सीधा सा मतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के भीमराव अम्बेडकर हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, कुछ भी हों, ये लोग ये लोग क्या इन पर एक तरह से जनता का भरोसा था, विश्वास था? तो आप लोगों का आंसर होगा हाँ। दूसरा, क्या संविधान ने सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान ना हो? और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है कि वे संविधान का पालन करें? इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि क्या संविधान किसी ऐसे खास समूह को शक्ति देता है कि वो संविधान को नष्ट कर सके, या सभी समूहों का ध्यान रखते हुए ऐसा कोई प्रावधान देता है जो संविधान का आदर कर सके, भरोसा कर सके? तो आप कहेंगे हाँ। क्या कहेंगे? कि ऐसा इसमें प्रावधान देता है जो हर समूह को एक तरह से ख्याल रखता है और आदर करते हैं वही लोग इस संविधान का। लेकिन ऐसी शक्ति कतई नहीं है किसी समूह को कि इस संविधान को नष्ट कर सके, ये भी आप लोग अपने संविधान में देखने को मिलेगा। क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है? संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफी कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। भारतीय संविधान में न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या है? इस पुस्तक का अंतिम अध्याय इस प्रश्न का उत्तर देगा। यहाँ आपको कार्टून दिखाई दे रहा होगा। कार्टून बनाने वाले ने नए इराकी संविधान को ताश के पत्तों का महल क्यों कहा? क्या यह संविधान भारतीय संविधान पर लागू होगा? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान कैसे बना आखिर, इसे देख लीजिए, ये प्रक्रिया एक तरह से। आइए देखें कि भारतीय संविधान कैसे बनाया। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था, यानी कि आजादी के पहले इसे गठित किया गया था। इसकी पहले की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है। इस डेट को भी आप लोग याद रखिए, डेट को सभी डेटों को याद रखिए आप लोग। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई, क्योंकि आप जानते हैं 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हुआ। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप विधि से चुने गए थे। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार है जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांतीय प्रांत देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई हैं। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया है। लोकसभा की बात कर रहा हूँ। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 कितना 292 सदस्य चुनने थे। तब देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। प्रत्येक प्रांतों की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। और प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्य ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मध्य पद्धति का प्रयोग किया जिसके तहत आप देखते हैं कि हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देशी रियासतों की प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्याय के पिछले भाग में उन तीनों कारकों पर प्रकाश डाला गया है जो संविधान के प्रभावी सम्मान के योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है। बात करते हैं अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हम सार्वजनिक लोकतंत्र के रूप में भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या मतलब है आखिर? इसका अर्थ है कि जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्वता के सिद्धांतों को इन तीनों की एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूप में नहीं समझा जाए समझना चाहिए। ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं। इनमें से एक दूसरे को से अलग 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 करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल कर देना है। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता है, समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है, और ना ही स्वतंत्रता और समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी, और स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी, और बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण
नहीं कर सकती हैं। आप लोग अगर पूरे संविधान को समझना चाहते हैं तो उद्देशिका को जरूर समझ लीजिए आप लोग। क्या? उद्देशिका को जरूर समझ लीजिए। इसीलिए आप देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। आर्टिकल 32 को आप देखते हैं कि एक तरह से संविधानिक अधिकार कहा गया है आपका। ठीक है, ये किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, जिन्हें आप लोग संविधान का पिता कहते हैं। क्या आपकी कक्षा में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जा सकता है? इनको एक साथ कैसे व्यवहार में ला सकते हैं? अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। अब बात करते हैं संविधान सभा का प्रारूप। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप सोचिए, एक बार के लिए सोच सकते हैं आप लोग, अगर आपका इन लोगों पर भरोसा ना होता जो संविधान बना रहे होते हो उस समय, तो क्या आप उस संविधान को आज मानते? कतई नहीं मानते। देखिए, जन यही एक तरह से आप समझिए कि भरोसा होता है, और भरोसे को बनाए रखना होता है। कि उस समय आप सोचिए कि भीमराव अंबेडकर साहब ने अपना मतलब नहीं खोजा हुआ, किसी भी व्यक्ति ने अपना मतलब नहीं खोजा, अपने अपने आप से ज्यादा किसका फायदा देखा है? जनता का। और इसीलिए उस संविधान को आज हम आदर भी कहते हैं और मानते भी हैं। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद ये सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों में से चुनकर आए थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रही। कितने? 299 रही। इसने 26 नवंबर 1949 को कुल 284, कितना? 284 सदस्य उपस्थित थे 299 में से। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार इस महाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाना, बल्कि विभाजन के कारण हुए अकल्पनीय हिंसा से सभी सही सबक भी लिया है। भारत के संविधान में नागरिकों नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे देश के आप सोचिए संविधान निर्माताओं की समझ देखिए और पाकिस्तान के संविधान निर्माताओं की समझ आप लोग देख सकते हैं। हमारे देश में उतने ही हिंदू सुरक्षित हैं जितने मुस्लिम और अन्य धर्म के लोग हैं। पाकिस्तान में इसका उल्टा आप देखिए कि जहां हिंदुओं के साथ भेदभाव की, छोड़िए मुस्लिमों में भी कई तरह के मुस्लिम होते हैं, आप जानते हैं सुन्नी शिया, इनमें भी भेदभाव करते हुए देखने को आपको मिलेगा। तो इसीलिए कहता हूं, हाँ देखिए सबसे गलती होती है, इसका कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं गलती नहीं करता हूं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक ही गलती मान लीजिए, मैं भी देखिए अपने पर्सनल बता रहा हूं, उस गलती को मैं भी मानता हूं कि उन्हें यूएन में एक इस मुद्दे को कतई नहीं ले जाना चाहिए था, क्योंकि उस समय की परिस्थिति अलग थी। पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का झुकाव आप देख रहे थे खुला, चीन का झुकाव आप देख रहे थे पाकिस्तान की तरफ खुला, तो आपको किसी भी स्थिति में यूएन में इस मुद्दे को नहीं घसीटना चाहिए था जम्मू कश्मीर के, इस गलती को। लेकिन मैं सोचता हूं दूसरे नजरिए से देखें तो हो सकता है कि उन्होंने अच्छे के लिए सोचा हो, कि एक भरोसा बना रहे वहां की जनता में और एक मुद्दा बना रहे हो हमारे देश में शामिल हो जाए। और एक तरह से आप सोचिए कि उन्हें लगता होगा कि इस तरह से बीच का निर्णय देगा, सत्य की ओर झुकाव रहेगा किसका? यूएन का। लेकिन यूएन आप जानते हैं जिनकी ज्यादा फंडिंग होती है, जो शक्तिशाली देश होते हैं उनके पक्ष में ज्यादा दिखाई देता है, कोई भी संस्था हो आपकी, आप अपने ही देश में देख लीजिए आप लोग, जब केंद्र में जिसकी सरकार होती है तो वो दुरुपयोग करता है ना एजेंसियों का, और एजेंसियां क्या करती हैं, उसकी पक्ष में झुकाव भी रहता है उनका। तो यही उस समय की परिस्थिति का भी रहा। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यदि भी हमारे संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, यानी कि लोगों ने उन्हें नहीं चुना था, पर उससे ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि फर्क बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अंतर्गत संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य, जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है कि विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, उसे 82% सीटें प्राप्त थी, लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूं मैं, आपसे देखिए आप लोग अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, या सामान्य वर्ग के हो, ओबीसी हो, महिलाओं की स्थिति हो, सभी को संविधान सभा में शामिल किया गया था। इन्हें जनता ने नहीं सुना था, लेकिन फिर भी जनता का भरोसा था इन लोगों पर, समझ रहे हैं? अगर इन्होंने अनुसूचित जाति का मुद्दा उठाया
तो इन्होंने अपना मतलब नहीं उठाया उसमें, अपनी जो जनता है इसका मुद्दा उठाया। आज के परिपेक्ष में इसे बिल्कुल कतई मत देखिए। आज आप जिस नेता को चुनते हैं वही थाली में छेद कर देता है एक तरह से आपकी में, यानी कि आप लोगों का कोई मुद्दा वो संसद या विधानसभा में नहीं उठाता है। लेकिन उस समय की परिस्थिति अलग थी, उस समय आप देखते थे भरोसा था एक तरह से, आप सोचिए कि इसे बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जाते थे। अब कहा जाता है कि गांधी जी कहते थे कि वो एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे दूसरा कर देना चाहिए। आज की स्थिति से देखिए, गलत फहमी में मत रहिए, आज तो क्या करेगा दूसरा भी जड़ देगा। लेकिन उस समय क्या हुआ करता था कि आप अगर दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार देते या आप किसी के साथ धोखा करते हैं, किसी के भरोसे को तोड़ते हैं, तो आप रात में जाकर आप सोचते थे कि मैंने गलत किया, आपकी अंतरात्मा आपको कचोड़ती थी। लेकिन आज की परिस्थिति अलग थी, आज ना तो आपके अंदर अंतरात्मा है ना ही कुछ इस तरह का जमीर है, सब कहने के लिए किताबों में लिख दिए गए हैं शब्द, तो आज की स्थिति से आप तुलना नहीं कर सकते उस समय की। ठीक है, उस समय आप कांग्रेस को देखेंगे, वो कांग्रेस आज जो कांग्रेस डूबती नैया पर है वो नहीं थी उसमें। उसमें सभी लोगों को सम्मान दिया जाता था और सभी की पार्टी थी एक तरह से, आज कुछ लोगों की जो खास पार्टी रह गई है, और यही एक तरह से इसका डूबने का कारण भी बनाया। और इसका कारण, इसका जो ये डूबने का कारण है, ये जनता पर बुरी तरह से प्रभाव डाल रहा है। आप सोचिए जिस देश में अगर लोकसभा, मतलब आप सोचिए विपक्ष और पक्ष दमदार ना हो, उस देश की जनता हमेशा नीचे जाएगी और वो देश भी नीचे जाएगा। अब मुद्दा उठाने के लिए सामने कोई हो ही ना, आप समझिए कि कभी आप सोचिए कि जनता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस तरह की राजनीति हो पूरी, इस तरह के वोट बैंक हो, तो आप सोचिए कि वो देश अपने आप ऊपर उठ जाएगा। अब आधे से अधिक आप देखते हैं राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति के लिए किसी धर्म समूह को टारगेट करती हैं और लड़ाती रहती हैं आपको, हिंदू से मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम से हिंदू, धर्म के नाम पर। तो ये विकास क्या करेंगे, और हम लोग भी बड़े बेवकूफ होते हैं, ये हमें नहीं वोट देते रहते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी भविष्य को आग में झोंकते रहते हैं। ठीक है, तो कभी आप लोग वोट बैंक अगर वोट देना ही तो उसे चुनिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का, जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, अपने बच्चों की तरह आपके बच्चों को देखे। अब दिल्ली की जनता ने चुना है, कितना अच्छा काम कर रहा है, कोई भी कितनी भी बुराई करे मैं कभी उसकी बुराई नहीं कर सकता हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर मतलब अच्छा काम किया उसने, शिक्षा दी है, स्वास्थ्य दी है। अब किसी, कई लोगों को ये गलत भी लग सकता है, वो कभी, मैं तो कहता हूँ दिल्ली आइए और देखिए आप, पता चल जाएगा कि कितना अच्छा काम किया उसने। आप देखेंगे सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आया, हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए आप लोग, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो इलाज मिल रहा है वो सरकारी हॉस्पिटलों में मिल रहा है, और क्या चाहिए जनता को, फिर चाहे आप गरीब हो अमीर हो। और आप देखेंगे दिल्ली अच्छी स्थिति में है, आप लोगों से बेहतर है, आप धर्म के नाम पर लड़ते रहिए, कुर्सी पर वोट बैंक करते रहिए और अपने बच्चों की जिंदगी को धकेलते रहिए। आप जिस विधायक को चुनते हैं उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते, VIP में, और आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे थे जहां कुत्ते नहीं पढ़ेंगे। संविधान सभा के कामकाज की शैली की बात करें तो संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान सभा संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा का की लोकप्रिय सत्ता का आधार था, जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय और उसके समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों। वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व ना करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया है। सदस्यों में पर्याप्त मतभेद होना हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है इस बात को आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन मेरा मानना है कि धर्म को कभी भी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, या धर्म गुरुओं को अपनी राजनीति में कभी सम्मिलित नहीं करना चाहिए। अगर इन्हें सम्मिलित करते हैं आप लोग तो देश को एक गड्ढे में ढकेल रहे होते हैं आप लोग, क्योंकि ये धर्म गुरु आएंगे, जो भी धर्म, इस तरह के धर्म को मानने वाले होंगे, वो अपने धर्म को ऊंचे उठाने की बात करेंगे और दूसरे धर्म को नीचे गिराने की बात करेंगे, और इसी नाम पर वो वोट बैंक बटोरते रहेंगे, वो आपको एक दूसरे से लड़ाते रहेंगे। अभी आपने देखा है कि एक कानून बनाया जा रहा है शादी को लेकर, अंतरधार्मिक विवाह को लेकर, आपको एक नहीं मैं 50 लोगों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने, हिंदू जिन नेता कानून का पक्ष ले रहे हैं, उनकी बेटियों ने
मुस्लिम लड़कों से शादी की है, उनकी लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों से शादी की है। एक नेता की नहीं बता रहा हूं मैं, 50 नेताओं की बात कर सकता हूं, और आप में से अधिकतर लोग जानते भी होंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए, आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जनता को एक तरह से बेवकूफ बनाने के लिए पूरी रणनीति बनाई जा रही है, वोट बैंक बटोरने के लिए, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हमें जानना चाहिए, और मुझे लगता है इसलिए कहता हूं कि कम खाइए कम पहनिए, कम से कम अपने बच्चों को इतना तो पढ़ा लीजिए लगा दीजिए कि वो सही गलत आप लोग पहचान लगे। दिल्ली की बात इसलिए मैं कहता रहता हूं कि आप सोचिए, गृह मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी सांसद क्या करते रहे? प्रचार करते रहे, गेट गेट पर गए, गली गली फिरे, लेकिन फिर भी जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया है। आप सोचिए, एक मैंने अपनी जिंदगी में तो एक पहला ऐसा व्यक्ति देखा है जो कह रहा था कि मैंने अगर काम किया हो 5 साल में तभी मुझे वोट देना, वरना मत वोट देना मुझे। और आज के नेताओं को आप देखिए, आपको एक बार बेवकूफ बनाते हैं, दूसरी बार दूसरी तरह से बेवकूफ बनाते रहते हैं, काम के नाम की कोई बात ही नहीं करते हैं, विकास की कोई बात ही नहीं करते हैं। और पता नहीं उनकी नजरों में क्या विकास की परिभाषा है, ये मुझे मालूम भी नहीं है। कक्षा 11वीं में मैं पहली जो बुक्स पढ़ी थी आप लोगों ने, उसमें देखा भी होगा विकास की एक पूरी परिभाषा दी गई है आपको, उसे देखिए आप लोग। ये मतभेद वास्तव में वैध सिद्धांतिक आधार पर थे, हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत? राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए? न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए? क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए? लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद थी। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया है। वह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था, जिसका अर्थ था कि जन्म, धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। सदस्यों ने इस पर वाद विवाद अवश्य आवश्यक नहीं माना है कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुआ है, और एक बहुत लंबा समय लगा है। आप समझ रहे हैं, कई लोग किसी मुद्दे पर सहमत नहीं थे, मतभेद था, उसे भी आपका सम्मिलित किया गया है। आप सोचिए, यहाँ आप लोग एक तरह से झलक देख सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच विचार, कई जगह विचारधारा को लेकर मतभेद थे। समझ रहे हैं आप लोग, ये अलग आपको दिखाई देते होंगे। एक और काम कर सकते हैं, पीएम सीरीज जो आपकी है, एबीपी न्यूज की, उसे आप लोग जरूर देख लीजिए थोड़ा, ठीक है? एबीपी जो चैनल है न्यूज का, उस पर आपको मिल जाएगा, उसके क्वेश्चन डायरेक्ट भी कई बार आ जाते हैं, तो उसे जरूर देख लीजिए आप लोग एक बार। फिर भी आपने देखा है कि सभी का समाधान किया गया है और एक निष्कर्ष निकाला गया है। मैं बार बार एक परिवार का उदाहरण देता हूं कि जिससे आपको समझ में आ जाए। आप समझिए कि 5 मेंबर हैं परिवार में, पांचों में कुछ ना कुछ मतभेद हैं। या तो ये मतभेद इस तरह से उभर सकते हैं कि हमें नहीं सुनना है, समझौता किसी भी कीमत में करना ही नहीं है। एक निष्कर्ष इस तरह से भी निकाला जा सकता है कि कुछ आप झुकिए, कुछ आप झुकिए, कुछ आप झुकिए, और एक कोई निष्कर्ष निकालिए, समाधान निकालिए उस समस्या का। मैं अपनी आपकी जिंदगी के लिए भी यही एक उदाहरण फेस करता हूं कि मान लीजिए आपका किसी से रिश्ता है, रिलेशन है, कोई भी हो सकता है, भाई बहन या कोई भी रिश्ता हो सकता है, उसे तोड़ने से अच्छा है कि कम से कम उसमें समझौता तो कर सकते हैं आप लोग कि थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा मैं झुक जाता हूँ, काम बन जाता है। कभी गलती हुई मैं माफी मांग लेता हूँ, कभी गलती हुई आप माफी मांग लीजिए। समझ रहे हैं आप लोग, ये निष्कर्ष कहीं नहीं निकाला जा सकता है कि आप माफी नहीं मांग सकते, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि बंटवारा हो गया। आप सोचिए, मैं कहता हूं कि अगर गृह मंत्रालय जिसके सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में ना होता, एकीकरण जो हुआ है इसका इसका एक तरह से शक्ति अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं मिली होती तो भारत एक ना होता। आप देखते सब अपनी अपनी तरह मुंह खोल रहे थे कि हमें अलग होना है, हमें अलग होना है। लेकिन कहते हैं सरदार पटेल साहब बड़े चाय पर बुलाते थे और एक तरफ वो क्या करते थे, डंडा रखे रहते थे, एक तरफ गाजा गाजर रखे रहते थे, जो आपको खाना है पसंद आप करिए। और कहते हैं कि कभी घूमने जाते थे, किसी ने कहा कि मुझे अलग होना है सरदार जी, तो घूमने गए, हाथ डाला क्या होना है, और मालूम चला घूमने के बाद उसने जो भी राजा है उसने कह दिया नहीं मुझे भारत में शामिल होना। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो क्या विचारधारा अपनाते थे और क्या एक तरह से दिखाते थे। तो हर जगह इस तरह की व्यवस्था देखी गई है। इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का सबसे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता है।
संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही है थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही है। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर भी दिया है। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सिद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में विकसित हुई है और हर अनुच्छेद को लेकर जैसे विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई है वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से है। मेरा कहने का मतलब यहाँ समझ रहे हैं आप लोग? आप सोचिए आज आप लोग संसद की कभी बहस पर आप लोग सुनिए तो ऐसे होते हैं जैसे माफ करिएगा उल्टे सीधे शब्दों का उपयोग कर लेता हूं तो आप लोग मुझे लगता है कि इतना तो जानते हैं कुत्तों की तरह लड़ते हैं संसद में और सुविधाएं पा रहे होते हैं वीआईपी। एक संसद को जो संसद सदस्य को जो सुविधा मिलती है विधायक को सुविधा मिलती है एक कलेक्टर को भी सुविधा नहीं मिलती है उतनी, समझ रहे हैं आप लोग? फिर भी ये लोग जाके उसे असली मुद्दों से भटक कर ऐसे मुद्दों पर लड़ेंगे जिन पर कुत्ता भी लड़ना पसंद नहीं करेंगे। उस समय के राजनेताओं की देखिए आप लोग कि ऐसे मुद्दों को उठाते थे उन पर उनके तर्क भी रहते थे। अगर कोई बात हम कह रहे हैं तो उसमें कुछ एक तरह से आप सोचिए वजन तो होना चाहिए। अगर दूसरे की बात में अगर वजन है तो उसकी बात को भी हमें मानना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत है तो उसे हमें अपने तर्कों के द्वारा स्पष्ट करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि अपने दैनिक जीवनचर्या में भी देखते रहते हैं कि हम यही सोच के बैठे हुए हैं कि हम गलत नहीं हो सकते हैं, सामने वाला हो सकता है पूरी तरह से गलत हो, तो ये भी देखने को मिलता है। और हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बहस चली गई है, बड़े अच्छे फैसले लिए गए हैं और अपने हितों से ऊपर उठकर बात की गई, अपने समाज के हितों से उठकर ऊपर बात की गई, दूसरे के समाज के हितों की भी बात की गई। कार्यविधि, संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है और विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या फिर बी आर अम्बेडकर साहब ने इन कमेटियों की अध्यक्षता की थी और ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे, यानी कि विचारधारा मैंने कहा ना अलग अलग थी। अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उद्यान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप भी लगाते थे। आप जानते हैं कि सर जो भीमराव अम्बेडकर साहब थे एक किस जाति से आते थे, इनके साथ किस तरह से भेदभाव हुआ है। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों को प्रारूप तैयार किया जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई है। आमतौर पर यह प्रयास किया गया है कि फैसले आम राय से हों और कोई भी प्रावधान किसी खास समूह के पक्ष में ना हो। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी किए गए हैं। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया है। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया जो वर्ष और 11 महीने का 2 वर्ष 11 महीने का अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली। इसके सत्य अखबारों आम लोगों के लिए खुले हुए थे। आप सोचिए आज आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे मंत्री को कोई पद दे दिया जाता है जिसका उस मंत्रालय से कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं होता है, समझ रहे हैं आप लोग? मेरा कहने का मतलब है कि आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, आपको शिक्षा के बारे में मालूम ही ना हो दूर दूर तक, आप एक भ्रष्टाचारी हो, शिक्षा में आपने एक तरह से भ्रष्टाचार कर दिया गया फिर भी आपको शिक्षा मंत्रालय दे दिया जाता है। लेकिन उस समय की आप स्थिति देखेंगे तो उस समय आपको स्थिति देखने को मिलेगी कि सभी को ध्यान में रखा गया है। अब आप सोचिए कानून के ज्ञाता थे भीमराव अम्बेडकर साहब। आज के मंत्रालय में आप देखिए ऐसा नहीं है कि विपक्ष में कोई अगर एक तरह से आप सोचिए वो पढ़ा लिखा है, उस मंत्रालय का बेहतर जानकार है, उसमें योग्यता है तो उसे किसी मंत्रालय मंत्री बना दिया जाए, ऐसा दूर दूर तरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उस समय आप देखेंगे कि कैबिनेट नेहरू की कैबिनेट में सबको जगह दी गई है, फिर चाहे नेहरू की विचारधारा वाले लोग हों या नेहरू की विचारधारा से हटके लोग हों। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट दिया गया, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर वीरराव बी आर अम्बेडकर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। आप जानते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आगे चल के राष्ट्रपति बनते हैं पहले, ठीक है, और समिति जो प्रारूप समिति थे इसके सभापति थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस तरह के फैक्ट भी आप लोग याद रख लिया करिएगा।
जैसा कि मैंने महसूस किया कि शायद किसी ने किया हो कि प्यारूप समिति के सदस्यों विशेषकर इसमें सभापति डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आश्वस्त होने के बावजूद कितने उत्साह और लगन के साथ कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर को प्यारूप समिति में शामिल करने और इसके सभापति बनाने के निर्णय से बेहतर और कोई निर्णय नहीं हो सकता था। उन्होंने न केवल अपने चयन को न्यायोचित सिद्ध किया बल्कि उन्होंने जो कार्य किया है उसे भी गरिमा प्रदान की है। इस संबंध की में समिति के अन्य सदस्यों में परस्पर भेद करना पक्षपातपूर्ण होना होगा। मैं जानता हूं कि उन सभी ने उतने ही उत्साह और लगन के साथ कार्य किया है जितना कि उसके सभापति ने। वे सभी देश की कृतज्ञता के पात्र हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। आप समझे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत की बात में। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते पर नहीं बनता है। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण भी है थी कि वह सामान्य ढंग से काम नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति ना होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। तो इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशकों पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे। जैसे आप देख सकते हैं भारत सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। यदि उन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान की अंतिम रूप प्रदान किया गया। आप सोचिए, एक समय हमारे देश में ऐसा था कि अलग अलग जातियों के साथ अलग अलग तरह का भेदभाव होता था। क्या हम अगर उसे भी संविधान में लागू कर लेते और ज्यों का त्यों रख लेते तो क्या संविधान पर सबका भरोसा रहता? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। आप समझिए कि अगर धर्म गुरुओं की हम लोग मानते तो धर्म गुरु तो ये कहते थे कि एक खास जाति को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, महिलाओं को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं है। तो क्या आप संविधान पर महिलाएं भरोसा करती या निचले जाति के लोग संविधान पर भरोसा करते? नहीं। इस पर आप देखेंगे जहां जो जरूरत पड़ी उन्हें हम लोगों ने सम्मिलित किया है इसमें संविधान में। जहां वही है कि आप अपनी दैनिक जीवनचर्या में देखते हैं ना कि कहा जाता है कि कोई सामने वाला अगर गलत है, गलत उसकी मतलब संगत है तो उसे मत अपनाइए, लेकिन उसमें भी अगर अच्छाई है कुछ तो उसे अपने आप पर फड़ू कीजिए, आगे बढ़िए। ये कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? यही काम किया गया है। तो राष्ट्रीय आंदोलन ने जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम हरा सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। कब नेहरू साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? ये 1946 की बात है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है और इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। पिछले भाग में जैसे संविधान के मौलिक प्रावधानों का कहा गया था वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उसका सारांश है। और इसी प्रकार के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनीन पहचान जैसे बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप किया गया। अतः हमारे संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों के दिए गए आश्वासन को पूरा करेगी। और लोग आंदोलन किस लिए करेंगे? आप सोचिए, आज अगर आपको आंदोलन करना है किसी मुद्दे को लेकर तो आप तभी तो आंदोलन करेंगे जब आपके पास मुद्दा होगा और लोग उस मुद्दे से जुड़े हों। अगर आपके पास कोई मुद्दा ही ना हो तो लोग किस लिए जुड़ेंगे? अगर आप पढ़ रहे हैं आपको आशा ना हो तो आप किस लिए पढ़ेंगे? आपको कम से कम फल की आशा है ना कि कुछ हमें मिलेगा, इसलिए तो आप पढ़ रहे हैं। संस्थागत व्यवस्थाओं की बात करें हम लोग, यदि हमें 1937 में स्वतंत्रता मिल जाती तो क्या होता? हमें 1957 तक इंतजार करना पड़ता तो क्या होता? क्या तब बनाए गए संविधान हमारे वर्तमान संविधान से भिन्न होता? बिल्कुल होता। संस्थागत व्यवस्थाओं की बात करें, संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया है कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। और संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका हो गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन भी किया है। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया है जो एक ओर विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण भी किया गया है। आप समझिए, इस तरह से शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि आगे परेशानी ना हो। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि एक मतलब उनकी योग्यता आप समझ सकते हैं उस समय के जो भी आपके संविधान निर्माता थे कि उन्होंने आज तक की बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया। राज्यों में लड़ाई होगी, राज्य की केंद्र की, या
आप सोचेंगे एक संस्था की दूसरे संस्था से लड़ाई होगी तो वहां किस तरह से शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु, भारत के एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य, भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं, का एक संघ होगा। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहती हुई भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी गई है। और अल्पसंख्यक, पिछड़े या जनजातीय क्षेत्रों और दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा भी दी जाएगी। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सब राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। तो यह है उद्देश्य का एक तरह से आपकी। आगे बढ़ते हम लोग, शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया है। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संविधानिक परंपराओं से कुछ लिया ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की है जो उनके कार्य को संपन्न करने की के लिए जरूरी था। अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधान को भी लिया है। मैंने तब भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ज्यों का त्यों नहीं लिया है हम लोगों ने, कि हम लोगों ने कॉपी करके देखते हैं आप लोग की कॉपी पेस्ट चलता है ना, कि हम लोगों ने एक जगह से कॉपी किया दूसरी जगह हमने पेस्ट कर दिया। इस तरह की व्यवस्था हम लोगों ने उस समय नहीं अपनाई। ये अच्छी बात कह लीजिए कि उस समय इस तरह की व्यवस्था थी भी नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो हमें अच्छा लगा, एक तरह से आप कहिए कि आपने कॉपी की किसी की कोई लाइनें हैं उसमें संशोधन किया, उसमें आपको लगा कि ये अच्छी बातें हैं, इसे अपने संविधान में एक तरह से शामिल कर लिया। यही हम लोगों ने उस समय भी किया है। ठीक है, लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप हो। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारे संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बनाया। कहते हैं ऐसा कि हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक नहीं कई देशों का संविधान पढ़ा और उसे देखा कि कौन से प्रावधान अच्छे हैं, कौन से गलत हैं, तभी उन्होंने शामिल किया है। इसे भी देख लीजिए, संविधान सभा में चर्चा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है। आज इस समय बनाए गए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएंगे जो कमियों को दूर करे उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। एक तरह से आप सोचिए, एक दूसरे की भावनाओं का बड़ा सम्मान किया जाता था इस समय। मैंने रामायण लॉकडाउन के टाइम मैंने बड़ा रामायण पढ़ी, रामायण देखी भी, जो आजकल आप देखते हैं सीरीज उसे भी देखा मैंने। उसमें कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिनसे आज के समाज का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर उन बातों को अगर आप अपने आप पर फॉलो करें तो इस समाज को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? उसमें एक बात आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान श्री राम सब कुछ जानते थे। मुझे लगता है आप लोग भी मानते हैं कि भगवान सब कुछ जानता है, लेकिन मानने से वो उसे फॉलो करने में बहुत अंतर होता है। आप सोचते हैं कि वो पूछते हैं, लक्ष्मण जी आपका विचार इस पर क्या है, हनुमान जी आपका विचार इस पर क्या है, विभीषण आपका विचार इस पर क्या है, वो सबके विचार सुनते समय वो लोग मतलब वो एक तरह से हंसते हुए दिखाई देते हैं। आप समझिए, भगवान है, उनके पास सबका समाधान है, फिर वो सबसे सहमति क्यों ले रहे हैं। एक बात ये भी देखिए आप लोगों ने अच्छी, और एक रावण से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। भली आप सोचिए कि एक महिला को उठा के लाए, वो कुछ भी कर सकता था। ये बात कही जाती है कि ये शक्ति थी वो शक्ति थी, चलिए मान लेता हूं शक्ति थी, लेकिन कब से कब उसने मर्यादा तो रखी अपनी। आज तो देखिए सीता माता सुरक्षित ही नहीं है, रावण से ज्यादा भी एक तरह से राक्षस बन चुके हैं। और सीता माता की देखिए आज की, मैं किसी पक्ष को मैं बिल्कुल भी नहीं मतलब नीचा दिखा रहा हूं। आज सोचिए उस समय सीता के सामने कई सुविधाएं उपलब्ध थी, वो चाहती तो VIP सुविधा ले सकती थी। आप सोचते हैं कि भगवान श्रीलंका पूरी सोने की थी,
उसके बाद वो अपना लेती, क्या फर्क पड़ता। एक तरफ आप देखते हैं कि राजा को उस समय भी 3 से 4 रानियां रखने की छूट मिली हुई थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने देखा है कि सीता के लिए वो 3,000 से 3,500 किलोमीटर दूर तक जाते हैं, लड़ते हैं, तब लाके। कहा जाता है कि अगर श्री राम राजा के बेटा बन के रहते तो एक तरह से बेटे ही बन के रह जाते हैं। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया उनके कर्मों ने, उनके जो काम रहे उन्होंने। ठीक है, तो ये भी अच्छाई देखी जाती हो। संविधान सभा में भी यही रहा है अपना कि किसी के भी कुछ भी पक्ष हो विपक्ष हो सबकी बातों को सुना गया है। जो भी उसमें अच्छाइयां रही हैं उन्हें भी हम लोगों ने शामिल किया है। ऐसा नहीं है कि अगर दूसरे की विचारधारा बिल्कुल अलग है तो उस पर बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है, ऐसा भी नहीं रहा है। वहां देखा है कि उसकी बातों में दम है तो उन्हें हमें शामिल करना चाहिए। वरना आप सोचिए, उस समय हमने इन्हें नहीं चुना था, कोई नेता नहीं चुना गया था, फिर भी उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो हमारे लिए हित में थे, और आज भी हम संविधान को मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विभिन्न देशों के संविधानों के लिए से लिए गए प्रावधान, जिन्हें आप लोग उधार का थैला भी कह देते हैं कि उधार का थैला है भारत का संविधान, तो ये भी गलत है आपका। अगर ब्रिटिश संविधान से, यानी कि ब्रिटिश का सबसे ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव रहा है, क्योंकि आप जानते हैं एक लंबे समय तक हम लोगों पर राज किया है उन्होंने, तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव की जीत में का फैसला, यानी कि सबसे ज्यादा जिसे वोट मिले वही जीतेगा, ये हम लोगों ने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। सरकार का संसदीय स्वरूप, ये भी हम लोगों ने ब्रिटिश से लिया है। कानून के शासन का विचार, ये भी हम लोगों ने ब्रिटिश से लिया है। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, ये भी हम लोगों ने ब्रिटिश से लिया है। कानूनी निर्माण की विधि, ये भी हम लोगों ने ब्रिटिश से लिया है। अगर आयरलैंड की बात करें हम लोग, तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व आपकी आयरलैंड से, और याद रखिए ये प्रीलिम्स में बन चुके हैं आपके क्वेश्चंस, तो इन्हें बड़े अच्छे याद रखिए आप लोग। और जब लिखित परीक्षा होती है तब भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उधार का थैला कहा जाता है, तो उस समय भी आप इन्हें इन फैक्ट को शामिल करें और अपना तर्क दें और अपना एक लास्ट में निष्कर्ष भी निकालें। ठीक है, अगर फ्रांस के संविधान की हम बात करें तो यहां से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो मौलिक अधिकारों की सूची आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम वही कनाडा कनाडा के संविधान की बात करें तो एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सख्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये सभी आपने कहां से लिए? कनाडा के संविधान से। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष, ये अच्छी बात है कि आपको लास्ट में निष्कर्ष भी बताया जा रहा है। यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दृष्टि दूर दृष्टि का प्रमाण है कि विदेश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। यही वह कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाए गए संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवन सच्चाई भी है, जबकि दुनिया के अनेक संविधान कागजी पोथों में ही दबकर रह गए हैं। आज भी हम लोग अपने संविधान पर भरोसा करते हैं और उन्हें मान भी रहे हैं। ठीक, भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है और अनेक देशों खासतौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया है। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि एक ऐसा संकलन संविधान संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या काम चलाओ व्यवस्था मात्र ना हो बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक सजोए रखें। और आप पुस्तक के शेष भाग में इन व्यवस्थाओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही कहानी थी आपकी, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन भी दिए गए हैं, इन्हें आप लोग देखिए और इसकी भी PDF आपकी टेलीग्राम पर डाल दी थी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए। ठीक है, और भी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे बताइए आप लोग। तो राज्यसभा TV श्रृंखला संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी तथा गांधी, सरदार और डॉक्टर भी बाबा साहब अम्बेडकर जैसे फिल्मों देखें और चर्चा करें जिस संदर्भ में संविधान बनाया गया उनको उसको समझने में ये दृश्य श्रव्य सामग्रियां मदद करेंगी। ये हमारे राष्ट्रीय नेताओं के जीवन और समय को जानने में भी आपकी मदद करेगी। इसलिए कहता हूँ आपसे, राज्यसभा TV, लोकसभा TV और ये जो भी सीरीज बनाई हुई है, कोई भी आपका कहीं से भी हो, आप उन्हें देखते रहा करिएगा। और PIV, इन तीनों को तो फॉलो करना है आपको, राज्यसभा, लोकसभा और PIV। इसमें जो भी बहस होती है, डिबेट होती है, उन्हें आप लोगों को पढ़ना है, बहुत आपको सहायता करेंगे ये जब भी आंसर राइटिंग करेंगे आप लोग, क्योंकि इन पर जो भी बैठते हैं डिबेट करते हैं वो एक बड़े मतलब योग्यतावान लोग होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला चैप्टर। चलिए आगे हम लोग मिलते हैं, भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में हम लोग बड़े विस्तार से बात करेंगे। ठीक।